सुंदर सिंह जी के चले जाने के बाद सारी जो घटनाएं सामने थी वो आप सबके सामने, और चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर है, मेरे लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है। आपकी चौधर वापस आ गई। चौधरी मंजूलाल नम आंखें, संघर्ष की कहानी और एक प्रबल वक्ता आज भावुक हो गए। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि किरण चौधरी हैं। पहले बेटी श्रुति के विधायक बनने पर मां के आंसू छलके और आज फिर मंत्री पद मिलते ही किरण अपने समर्थकों के बीच भावुक हो गए। मंत्री पद मिलते ही श्रुति चौधरी ने भिवानी के गांव गोलागढ़ में पहुंचकर अपने पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह और अपने दादा चौधरी बंसीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने मंत्रिमंडल का पहला दिन शुरू किया। इस दौरान उनके साथ में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी मौजूद रहीं। वहीं इस मौके पर किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद सारी जो घटनाएं सामने थी वो आप सबके सामने, और चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर है, चौधरी बंसीलाल अमर है। मेरे लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है। 19-20 साल आपके बीच में रही, मेहनत से आपने आपके बीच में काम करा, और आज जो चौधरी बंसीलाल जी का सपना था, सुरेंद्र सिंह जी की जो सोच थी, जो अधूरी रह गई थी, वो आज आप लोगों ने वो समय फिर दोबारा से लौटा दिया। ये घर हमारा है, आप हमारा परिवार हो, जहां जहां से आए आपने बहुत संभाला है, एक दिल से आपका मैं धन्यवाद करती हूं। और आने वाले समय में वो कहते हैं ना, नई पीढ़ी अब आगे आ रही, नई पीढ़ी को अब संभाल रहे हैं और नई पीढ़ी अब आगे संभालेगी। चिंता ना करो, भगवान ने बहुत दिया है, बहुत उसकी मेहर रही जो हमारे को यहाँ पर इतने संघर्ष के बाद इस मुकाम पर लाकर खड़ा करा। आज आपकी चौधर वापस आ गई। किरण ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि अब श्रुति के मंत्री बनते ही उनकी चौधर लौट आई है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भी भिवानी में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कड़े निर्देश दिए। बात करी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पीने की पानी की, यहाँ पे जो व्यवस्था है वो खराब हो गई है, सीवरेज खराब हो गया है, हमारी सड़कें जो शहर के हैं वो खराब हालत में है, कूड़ा जगह जगह पे है, तो इन सारी चीजों का संज्ञान लिया है। तो शाम का भी बोला है कि किस प्रकार से वहाँ पे पानी की निकासी की दिक्कत है, जहाँ जहाँ गांव यहाँ पे काफी वाटर लॉगिंग है, तो उन चीजों का संज्ञान लिया है और एक महीने के बाद मैं रिव्यू लूंगी इन चीजों के ऊपर। मुझे समाधान दिखना चाहिए, बताना चाहिए लोगों से, वो बात आनी चाहिए कि संज्ञान लेने का फायदा हुआ और काम हुआ जमीन पे। आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी की यह सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस होगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जाएगा, और जो जितनी भी हमारी जो योजनाएं हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बनी हुई हैं हर वर्ग के लिए, वो हमारे लोगों तक वो पहुंचे, 100% उस पर काम हो और अच्छी तरीके से कोई भी दिक्कत हो तो लोगों की सुनवाई अच्छी तरीके से। आगे भविष्य में क्या कुछ है? आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कलम से ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे वो DSC समाज की बात हो, चाहे हमारे नौजवान बच्चों को
नौकरियां देने की बात हो, चाहे हमारे किसानों की बात हो। श्रुति चौधरी ने मंत्री पद संभाला और अब वो एक्शन में नजर आ रही हैं। आज भिवानी पहुंची श्रुति ने न सिर्फ अपना रुख साफ किया बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दे डाले। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।